सो क्लास 12th, वेलकम टू आवर लेक्चर 2। और आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए बिना किसी देर के वापस से वहीं से शुरू करते हैं जहां खत्म किया था। तो कल हम लोगों ने अपना डीड का पोर्शन खत्म किया था। हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये चीज़ें समझी कि एक्चुअली पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है डीड्स की, ठीक है, और डीड्स के अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं। मैंने कुछ बेनिफिट्स बताए थे, उसमें मैंने कुछ डिफरेंट पॉइंट दो बताए थे जिनको मैंने कहा था कि आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए एक नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं कि क्या होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। तो जैसा कि आप ये फॉर्मेट देख रहे हो, ठीक है, दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस तो वर्ड सुना हुआ है, बट व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो बेटा, अभी तक आपने क्या किया था कि आपका जो भी लास्ट टाइम नॉमेनक्लेचर था, आपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। अगर आपको ध्यान हो तो आपने सबसे पहले क्या बनाया था, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपने उससे जीपी निकाला था, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आपने बनाया पी एंड एल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम चार्ज ऑन प्रॉफिट भी कहते हैं। रीड माई लिप्स, चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, चार्ज ऑन प्रॉफिट भी कहते हैं, जिससे हम क्या निकाल के लेके आते हैं, नेट प्रॉफिट। अब अगर मैं कहूँ तो ये कुछ कुछ रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग के जो कोर ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं, उनसे हम ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर हमारे जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उनको चार्ज करने के बाद हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर हो जाता है यहां पर, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली इस अकाउंट का काम ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट है उसका हम अपोर्शनमेंट करेंगे। जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है उसका हम क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। हम प्रॉफिट को बांटेंगे, किसके पर्पस से बांटेंगे, हम अपने पार्टनर्स के पर्पस से बांटेंगे। मतलब जो पैसा पार्टनर को देना है उनमें से, जैसे लास्टली आपने सोल प्रोपर्टनरशिप में क्या पढ़ा था कि अगर कोई ड्राइंग होती थी, कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाती थी, तो हम लोग सीधा बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करने पहुंच जाते थे। पर अब इसीलिए मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट लेवल सिखाया जाएगा, अब बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जरा फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या होता है इसका। तो सबसे पहले एक फंडा और मुझे लगता है आपको समझा देना चाहिए, कैपिटल एंड ड्राइंग का। अगर मैं कहूँ कैपिटल और ड्राइंग, तो कैपिटल एक तरीके से लोन है बिजनेस के ऊपर, लोन है बिजनेस के ऊपर, यानी मैंने बिजनेस को लोन दे रखा हुआ है। और ड्राइंग्स क्या है, मैंने बिजनेस से अपना कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया, मैंने बिजनेस से अपना कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया। तो इसका मतलब अगर आपने किसी को लोन दिया, यानी कैपिटल, आपने किसी को लोन दिया तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, वो कौन, बिजनेस। तो बिजनेस अगर आपको इंटरेस्ट देगा तो वो बिजनेस का खर्चा होगा कि नहीं होगा, वो बिजनेस का खर्चा होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे डेबिट कर रखा हुआ है, ठीक है। सेम ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने बिजनेस से कुछ ड्रॉइंग्स कर रखी हैं, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रखा हो, तो मतलब बिजनेस को जो पैसा दिया था उससे कुछ विड्रॉल कर लिया। तो इसका मतलब अगर बिजनेस को जो पैसा दिया था उससे विड्रॉल किया, तो मतलब बिजनेस से पैसा लिया, तो अब अगर उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और वो बिजनेस की इनकम होगी क्योंकि बिजनेस ने अपना पैसा आपको दिया। ये बिल्कुल एकदम रोटेशन साइकिल की तरह चलता है कि भाई आपकी कैपिटल पे जो होगा, जो आपने बिजनेस को लोन दिया उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो ये तो पी एंड एल किसका बन रहा है, ये बिजनेस का पी एंड एल बन रहा है, तो इस पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस आपसे। सेम ऑन दी अदर हैंड, ड्रॉइंग्स पे वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस, तो वो उसकी इनकम हो जाएगी। ओके, ये दो पॉइंट समझ में आए। देन नेक्स्ट, अगर पार्टनर कोई भी सैलरी या रेमुनरेशन पे करता है तो वो भी बिजनेस का खर्चा होता है, तो दैट पार्टनर सैलरी और रेमुनरेशन विल बी डेबिटेड। और अगर क्वेश्चन में कुछ कह रखा है कि जब भी आपने 11th में पढ़ा होगा कि मेरे पास कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो मैं उसको रिजर्व करके रख लेता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक रिजर्व की तरीके से क्रिएट कर लेंगे अलग से अकाउंट में, एंड द बैलेंस विल बी फाइनली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर पीएसआर, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके रेशियो में बांटे जाएंगे। अब हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, ठीक है। और अगर आपका नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे दे रखा हुआ है वो कम पड़ जाता है इन खर्चों को लेके, तो मैं क्या ट्रीटमेंट करूँगा। तो हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, पहला
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर ये प्रॉफिट इन सबको चार्ज करने के बाद कम पड़ जाता है, यानी कहने का मेरे खर्चे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट कम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ समझते हैं। ओके गाइज, तो अब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट में आप ये देखोगे, सबसे पहली बात तो आप किसी को अगर इंटरेस्ट देते हो, तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देखता हूँ, इसको हमेशा मेमोराइज करके रखना, कि सपोज दैट आप किसी काउंटर पर खड़े हो, आपको किसी को पेमेंट करनी है, लाइक टिकट काउंटर पर खड़े हुए हैं, हमें उसको पेमेंट करनी सामने, अब उसने जब आपसे पैसे मांगे तो आपकी पॉकेट में पैसे नहीं थे, तो आपके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था, आपने कहा भैया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, उसने आपको, अच्छा आदमी था, भला आदमी था, उसने दे दिया पैसे, आज के टाइम में कोई देता नहीं है, उसने दे दिए अपने जेब से पैसे। अब आपने वो पैसे लेके टिकट काउंटर में ट्रांसफ़र कर दिए, एंड व्हाट यू डिड इज़ कि पहला केस तुरंत आपने दोस्त को फ़ोन मिलाया और कहा कि भैया ये लो आपके पैसे, थैंक यू, 10 मिनट में पैसे लौटा दिए। दूसरा केस आपने ये कहा बींग रैशनल कि सामने वाला आदमी अच्छा है, हमने कहा कि भैया आप नेक्स्ट वीक मैं इधर आऊँगा, तो आप नेक्स्ट वीक मुझसे ये पैसे ले लेना, तो उसने कहा ओके। तो फर्स्ट केस मैंने क्या बताया कि आपने तुरंत उधर उठाया, तुरंत दोस्त को फ़ोन किया और उसको पैसे वापस कर दिए जो उसने आपको उधार दिए हुए थे। दूसरा केस आपने 10 दिन बाद उसके पैसे वापस किए, तो अगर आपने 10 दिन बाद उसको पैसे वापस किए तो ही विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर इट। मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दो पॉइंट की बात करते हैं कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही कब होगा ओपनिंग कैपिटल पे, जो पैसा आपने शुरुआत से लेके 31st मार्च तक रिटेन करके रखा हुआ है उस पे हम निकालेंगे क्या इंटरेस्ट। ठीक है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मत निकालना, क्योंकि 31st मार्च को 31st मार्च के अमाउंट का इंटरेस्ट कहाँ से निकालोगे, एक दिन का इंटरेस्ट होगी, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। सपोज दैट क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो आपको चीज़ें रिड्यूस करके रोल बैक करके आना पड़ेगा, जैसे सिंगल एंट्री में 11th में किया था, और हम क्या निकालेंगे अपनी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में क्वेश्चन में कैजुअली वैसे तो अपोर्शन ऑफ प्रॉफिट में ही चार्ज किया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपके बिजनेस में चाहे लॉस हो चाहे घाटा हो, डजंट मैटर, आप उसको अलाउ करके डेबिट कर दीजिए। मतलब समझा, आप बिजनेस आपका लॉस में जा रहा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसने वर्ड यूज कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप क्या करिएगा सीधा सीधा डेबिट कर दीजिएगा, बिल्कुल दिमाग मत लगाएगा, चाहे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो तब तो डेबिट हो गई होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन सपोज दैट बिजनेस में लॉस है और ये वर्ड लिखा हुआ है तो भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दीजिए और लॉस में जाने दीजिए। पर हम बात करते हैं नॉर्मल केस की जो होता है, दैट इज अपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जो भी हमने पिछले फॉर्मेट में देखा था। तो अगर अपोर्शन ऑफ प्रॉफिट का केस है और लॉस है तो आप कतई अलाउ नहीं करेंगे पे एंड एल अप्रोप्रिएशन में इस चीज को चार्ज करने के लिए, चाहे आपकी डीड में ही क्यों ना दिया हुआ हो। ठीक है, तो अगर लॉस है और अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट यानी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपको बनाना है तो आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे इसको। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है भाई, पहला पॉइंट लॉस हो गया, दूसरा पॉइंट लॉस नहीं, मेरे पास सफिशियंट प्रॉफिट है, तो बिल्कुल कोई जैसा अगर सफिशियंट प्रॉफिट है तो आप अलाउ कर दीजिए। थर्ड केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये हर जगह काम आएगा, कि अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज दैट मेरा इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है वो दो पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, इनको 5,000 चाहिए, इनको 3,000 चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस इज ऑल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बार बार ड्रॉइंग बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये चाहिए इनको 5,000 और 3,000। हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है अप्रोप्रिएशन में वो आ रहा है सिर्फ 6,000 रुपये, तो अब बताइए मेरे पास खर्चा कितने का तैयार खड़ा हुआ है, 8,000 रुपये का तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे बांटना कितने में है 6,000, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट 6,000 रुपये है और मुझे खर्चा कितना देना है इनको 5,000 इनको 3,000 इनको, तो यहाँ मैंने वर्ड लिखाया है अलाउ इन द रेशियो ऑफ ईच पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने निकाला है, यानी 5:3, ये समझता है ना, 5:3 के रेशियो में हम इस 6,000 को बांट देंगे, यानी 6,000 × 5/8 6,000 × 3/8 इस रेशियो में ए और बी को मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, गलती से भी PSR मत ले आना, PSR के फंडे पे नहीं चलता है। अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशियंट है, अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो आपका जो भी खर्चा होगा पार्टनर का, इसको मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलूँ, खर्चा जो होगा पार्टनर का या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके रेशियो में हम जो मेरा इनसफिशियंट प्रॉफिट है उसको मैं बांट दूंगा। इनसफिशियंट का मतलब मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और मेरे जेब में प्रॉफिट कम है। तो ये आपका फंडा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो अवर लास्ट टॉपिक इज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि हम
इंटरेस्ट ड्राइंग ड्राइंग का मैंने लास्ट क्लास में मतलब क्या बताया था कि बेटा दो तरीके की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है प्रॉफिट से करी हुई ड्राइंग्स जो हम रेगुलर पर्सनल खर्चों के लिए चार्ज करते हैं, ठीक है, एक होती है कैपिटल से विड्रॉल करना, उसको भी हम ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पे कैपिटल से विड्रॉल करने वाली ही ड्राइंग है, क्यों? क्योंकि इट इज फॉर अ पीरियड, तभी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम, ठीक है। अब ये तुम्हारी कौन सी वाली ड्राइंग्स है? दिस इज ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, ठीक है। नाउ व्हाट, हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि भैया पहली बात तो ड्राइंग्स आपकी फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। ये एक्चुअली मैंने एक टेबल दे रखी हुई है, बिकॉज इट्स अ यूट्यूब सेशन, तो यूट्यूब सेशन में अब मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता इस चीज़ के ऊपर, तो मैं आपको रफली सिर्फ ये एक टेबल में बना के पूरा दिखा दे रहा हूँ, और मैं आपको एक सिंपल ओवर भी दे दूंगा कि ये है क्या। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं अलग अलग मंथ ऑफ द टाइम के बीच में, अलग अलग टाइम पीरियड में। सपोज दैट बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, मतलब पीरियड को हमने कैसे बांटा हुआ है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथली ड्राइंग्स फॉर सिक्स मंथ। ये एक एडिशनल पॉइंट है तुम्हारे पास कि आप सिर्फ छः महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहे हो, सिर्फ छः महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहे हो। तो भाई बेसिकली क्या हो गया, मंथली अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो मंथली के बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब कहने का एक अप्रैल हो गई, ठीक है, एक मई हो गई, एक जून हो गई, ऐसा टाइप का मंथली, ठीक है। देन मिडल ऑफ द ईच पीरियड का मतलब हो गया 15 अप्रैल हो गया, 15 मई हो गई, 15 जून हो गया, ठीक है। एंड ऑफ द ईच पीरियड का मतलब 30 अप्रैल हो गया, ठीक है, 30 मई हो गई, 30 जून हो गया, ये 31st मई होगा, ठीक है, एंड 30 जून हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वार्टरली, इसके बाद आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इजीली कि बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर होता है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, ये सेकेंड क्वार्टर होता है, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका थर्ड क्वार्टर होता है, एंड ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च आपका थर्ड क्वार्टर होता है, फोर्थ क्वार्टर होता है। अब अप्रैल, मई, जून के बिगिनिंग में, यानी अप्रैल में, यहाँ पे जुलाई में, यहाँ पे अक्टूबर में, वहाँ पे क्या होगा, जनवरी में, ठीक है। अभी मैं आपको मंथ थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आप एकदम न्यू हो इस चीज़ में, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो कुछ लोगों को, मैं ये नहीं चाहता कि इसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसे आती है अभी मैं एक दो बता देता हूँ आपको करके। उसके बाद अब क्वार्टर तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन मिडिल ऑफ द पीरियड, मिडिल ऑफ द पीरियड का मतलब मई 15, भाई 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो जस्ट हाफ ऑफ दिट इज अ 1 month 15 days, तो यानी 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, ये हो गया। एंड ऑफ द पीरियड का मतलब क्या हो गया, 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर और 31 मार्च। अब 31 मार्च को अगर कोई ड्राइंग करी तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर होगा एंड वाला। ऐसे ही हाफ ईयरली में सेम तरीके से बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा कोई हेक्टिक नहीं। अब जरा मैं एक कैलकुलेशन ये आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे आ रहा है। इसमें बेसिकली है क्या, आप हर मंथ का अलग अलग निकाल नहीं सकते, तो एक वर्ड होता है एवरेज। एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर फिक्स तरीके से चल रही है तो अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो हमें ऑल टुगेदर एक जिस्ट मिल जाता है उस पूरे मैथमेटिकल सॉल्यूशन का, कि भैया पर्टिकुलर पीरियड को एक एक महीना करके निकालने की जगह उसका एवरेज निकाल लो और एक पीरियड मिल जाएगा, उस पे निकालने पे भी वही आंसर आएगा जो अलग अलग महीनों पे इंटरेस्ट निकालने पे आ रहा है। इसको आप मैथमेटिकली थोड़ा सा अगर ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो अच्छा आएगा, ठीक है। 6.5 कैसे आया, मेरा पहली बात तो मैं अपनी कंडीशन पहले देखूँ, मैं हर महीने विड्रॉल कर रहा हूँ पहली तारीख को, तो अगर मैंने जो फर्स्ट विड्रॉ किया होगा, जो मेरा फर्स्ट विड्रॉ हुआ होगा, उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा मेरे को। तो यानी कितने महीने, फर्स्ट वाले में तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा 12 महीने, एंड सबसे लास्ट वाला कब होगा तुम्हारा, 1st of March को, क्योंकि अप्रैल में तो नया सेशन लग जाएगा, तो उस पर कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ 1 महीने का। तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो दैट विल कम टू अ 6.5, ठीक है। सेम इसमें 6 कैसे आएगा, अगर आप 15 के हिसाब से बात करें, दिस इज द लास्ट समझो मैं समझाऊँ इस पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है एक एक पॉइंट को समझाना, ठीक है। अब 6 महीने की अगर हिसाब से मैं बात करूँ तो कैसे है, तो फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ, 15 मार्च को, यानी पहले वाले को कितने दिन का मिलेगा, 11.5 महीने का मिलेगा, 31st मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, जोड़ के देख लो, 15 दिन कम करोगे भाई, 12 में से 15 दिन कम कर दो, 11.5 महीना, एंड लास्ट वाले को कितना मिलने वाला है, 0.5 मंथ। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6 मंथ, तो यानी यहाँ पे 6 मंथ। ऐसे ही ये टाइम पीरियड, अगर ये टेबल याद हो जाती तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी नहीं एग्जाम में। सपोज दैट अगर आपको नहीं आती तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे कि फर्स्ट मंथ ही, फर्स्ट टाइम की विड्रॉल और लास्ट टाइम की विड्रॉल में कितना टाइम पीरियड है, कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसका एवरेज कर देंगे तो आपके ये मंथ ही आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 जो दे रखा है, मंथ ऊपर की टेबल के हिसाब से जो भी है, डिवाइड बाय 12। एक ये पॉइंट समझ लीजिए
ठीक है। और इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के लिए भी इस पॉइंट को समझ लीजिए कि अगर आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो ऊपर नेट प्रॉफिट हम लोग ने इधर साइड लिखा हुआ था, ठीक है, इधर साइड नेट प्रॉफिट आया था, देन इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिजर्व और सबसे लास्ट में अपना सैलरी कमीशन रिमिशन, उसके बाद जो भी प्रॉफिट हमारे पास है, ठीक है, बस रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो प्रॉफिट मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से वो कम पड़ जाता है। तो जब मेरा प्रॉफिट कम पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, मेरे पास खर्चे ज़्यादा हैं, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं और मेरे पास नेट प्रॉफिट कम है, तो मैं क्या करता हूँ, खर्चों का रेशियो ले लेता हूँ। फिर से मेरी बात को समझो, खर्चों का रेशियो ले लेता हूँ। तो मेरे पार्टनर जितने भी हैं, ए बी सी डी, इन सब के जो खर्चे हैं सबके खर्चे अलग अलग जोड़ दो और इन सब के खर्चों का रेशियो निकाल लो, इन सब के खर्चों का रेशियो निकाल लो। सपोज दैट ए के टोटल खर्चे सैलरी रेमुनरेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला के आता है 5,000 रुपये, जस्ट टेकिंग अजम्पशन, इनका आता है 2,000 रुपये, इनका आता है 1,000 रुपये और इनका भी आता है 1,000 रुपये। तो अब मैं बात करूँ तो मान लेते हैं मेरे पास अभी कितना हो गया, 5, 2, 7 और 2, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का, और मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपये है, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है 5,000। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह, आपके पास नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस से कितना उतर के आ रहा है 5,000, आपको खर्चा कितना करना है 9,000। तो आप ऐसा करिए कि अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूँ कि 5,000 में से एक को दे दो यार, क्योंकि एक का तो 5,000 बन रहा है, पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम रेशियो ले लेंगे इसका, हम क्या लेंगे, 5:2:1:1, इस रेशियो में इस 5,000 रुपये को बांट के इनके खातों में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, बाकी लॉस की तरीके से रिकग्नाइज कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास ऑफ द डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे कई चीज़ें मैंने थोड़ी समराइज वे में बताई हैं, ये और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए फिर वेट करते हैं और मिलते हैं।